हेलो एवरीवन, आई एम पूजा शर्मा। वेलकम टू आर माता मोहनदेस ओसवाल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम 12वीं कक्षा का पार्ट नंबर 19 शॉर्टकट सब और डॉक्टर संसार चंद द्वारा रचित करेंगे। प्रस्तुत व्यंग्यापरक निबंध में डॉक्टर संसार चंद ने आधुनिक युग के एक गंभीर यथार्थ को प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि आज की संस्कृति का दूसरा नाम शॉर्टकट है। इसके पीछे हमें बेतहाशा दौड़ रहे हैं। हर कोई जीवन के हर क्षेत्र में शॉर्टकट को अपना रहा है। शॉर्टकट का इतिहास बहुत पुराना है। इसे जन्म देने का श्रेय पार्वती जी को है, जिन्होंने गणेश जी को तीनों लोकों की परिक्रमा का शॉर्टकट यह बताया कि भगवान शंकर की परिक्रमा कर लें। शॉर्टकट आप अपनाकर गणेश जी विजय हुए। साहित्य के क्षेत्र में भी आज लघु संस्करणों, कुंजियों, नोटों, मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर का युग है। परीक्षा से एक सप्ताह पहले, एक घंटा पहले शॉर्टकट का ही परिणाम है। इस दिशा में परीक्षा से 5 मिनट पहले के शॉर्टकट निकल चुके हैं। इसी तरह नाटक की जगह एकांकी और उपन्यास की जगह कहानी, प्रबंध काव्य की जगह मुक्तक का प्रचलन शॉर्टकट का ही परिणाम है। शादी के क्षेत्र में भी प्रेम विवाह शॉर्टकट के कारण प्रचलन हुआ है। आज माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आने पर ही फल लगने की कौन प्रतीक्षा करता है। शिक्षा के क्षेत्र में बाया बठिंडा परीक्षा पास करना शॉर्टकट के कारण ही संभव हो सका है। स्पष्ट है कि आज के युग में शॉर्टकट का ही बोलबाला है। गागर में सागर भरने मुहावरे का यही अर्थ है कि व्यक्ति थोड़े में बहुत कुछ कह जाता है, अर्थात शॉर्टकट से काम लेता है। शॉर्टकट सब और, हर काम में, हर प्रणाली में, हर जगह शॉर्टकट ही दिखाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में शॉर्टकट के कारण पाठ्य पुस्तकों की जगह कुंजियों, नोट्स की धूम मची है। लेखक ने शॉर्टकट की संस्कृति के प्रभाव स्वरूप आगे बढ़ने की होड़ में बेतहाशा भागना शुरू कर दिया है। स्त्रियों ने टाइट ड्रेस पहननी शुरू कर दी है और बाल कटवाने शुरू कर दिए हैं। पाठ्य पुस्तकों के बजाय कुंजियों, नोट्स और मॉडल पेपर ने ले ली है। प्रस्तुत निबंध में हास्य के पुट के साथ आधुनिक युग के गंभीर यथार्थ को सामने रखा है। आज मनुष्य कामकाज के बोझ से इतना दब गया है कि शॉर्टकट के बिना उसकी गाड़ी चल ही नहीं सकती। उसके हर काम में, हर क्षेत्र में शॉर्टकट का ही बोलबाला है। साहित्य के क्षेत्र में शॉर्टकट का सहारा लिया जाने लगा है। आज बड़ी बड़ी पुस्तकें कोई नहीं पढ़ता, लघु संस्करणों ने उसकी जगह ले ली है। लेखक कहते हैं कि शॉर्टकट आधुनिक संस्कृति का दूसरा नाम बन जाने के कारण लोगों में एक गंभीर दौड़ छिड़ गई है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। यह दौड़ कोई कछुए और खरगोश की दौड़ नहीं, जिसमें कछुआ तो धीरे धीरे चलता है और खरगोश कुलाचे भरता हुआ सरपट दौड़ता है, परंतु ये दौड़ तो केवल खरगोशों की दौड़ है, जिसमें हर कोई तेजी से भाग रहा है और एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। लेखक ने शॉर्टकट के साहित्य पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि शॉर्टकट के कारण मुक्तक काव्य की रचना होने लगी, जिसने प्रबंध काव्य की कमर तोड़ दी, अर्थात उसकी रचना बंद हो गई। इसमें डॉक्टर संसार चंद्र जी लिखते हैं कि शॉर्टकट सब और बातचीत पर भी शॉर्टकट के प्रभाव का वर्णन पड़ा है। लेखक मौन व्रत को शॉर्टकट